बच्चो, बादल दानी कविता पसंद है ना? अब पेज नंबर 13 की प्रक्रिया। अब नीचे की पंक्तियां पढ़े। चम चम चमकी बिजली रानी, उड़ी गगन में खड़ा सुहानी। रेखांकित शब्दों की समानता क्या है? हाँ बताइए। रानी सुहानी शब्दों में नी ध्वनि की आवृत्ति है। इस प्रकार समान ध्वनि में समाप्त होने वाली शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। समान ध्वनि में समाप्त होने वाली शब्दों तुकांत शब्द कहते हैं। एक बार समान ध्वनि में समाप्त होने वाली शब्दों तुकांत शब्द कहते हैं। छम छम चमकी बिजली रानी, उड़ी गगन में खड़ा सुहानी, यह नी से समाप्त होता है। इसी तरह जोड़ें चुनकर लिखना एक एक्टिविटी रूप में अहम प्रस्तुत है। प्यासी चिड़िया, प्यासी गैया, खाली है सब ताल तलैया, अहम या ध्वनि की आवृत्ति है। दूसरा, सागर से फर फर जल लाते, गाव गाव में रस बरसाते, अहम ते शब्द से समाप्त होता है। और तीसरा, फसल धान की है तो महके, राह घाट हरियाली लहके, हम के शब्द का आवृत्ति होती है। ठीक है, तुकांत शब्द कविता को सुंदर बनाते हैं। सर ये पंक्तियां पढ़ें। बारिश का मौसम है आया, हम बच्चों के मन को फाया। एक और बार, बारिश का मौसम है आया, हम बच्चों के मन को फाया। ये पंक्तियां किसके बारे में है? बारिश के बारे में। क्या बारिश सिर्फ मानव को ही खुश करती है? जी नहीं। बारिश और किन किन को खुश करती है? पेड़ पौधे और सभी जीव जालों को खुश करती है। और पेड़ पौधे, पत्ते, फूल, पशु पक्षी, मोर, कोयल सब जीव जालों को बारिश खुश देती है। दो पंक्तियां दिया है। बारिश का मौसम है आया, हम बच्चों के मन को फाया। तुकांत शब्द से कविता को आगे बढ़ाना एक्टिविटी के रूप में है। बारिश का मौसम है आया, हम बच्चों के मन को फाया। उमड़ उमड़ के बादल आया, खूब चमाचम पानी लाया। ताल तलैया फर फर आया, मेंढक ने भी ताल बजाया। एक और बार, बारिश का मौसम है आया, हम बच्चों के मन को फाया। उमड़ उमड़ के बादल आया, खूब चमाचम पानी लाया। ताल तलैया फर फर आया, मेंढक ने भी ताल बजाया। सबको चित्र कहानी पसंद है? तो ठीक है, हमारी पुस्तिका में एक चित्र कहानी है, बारिश कैसे मिली। पहला चित्र देखो। बगुला और बंदर बातें करते हैं। भैया बहुत प्यास लगी है, क्या करें? पानी कहीं नहीं है, चलो बारिश को ढूंढे। वे रास्ते में बिल्ली से मिले। म्याऊ जी, बारिश कहाँ मिलेगी? बारिश मिलेगी बादल के पास। चलते चलते वे बेकरी के पास पहुंचे। बहन जी, कहीं बादल को देखा है? हाँ, और तो बूढ़े बबूल में फंसा है। आगे उन्होंने बैल को देखा। दादाजी, बूढ़ा बबूल कहाँ रहता है? उधर बाड़ी के पास। अंत में वे बूढ़े बबूल के पास पहुंचे। बाप रे, बेचारा कांडों में फंसा हुआ है, चलो बचाए। सबने मिलकर बादल को बचाया। पानी बरसने लगा, सब नाचने लगे। बच्चों, हम बादल दानी से क्या मांग रहे थे? बारिश। क्यों? पानी नहीं है। अगर बारिश न मिली तो क्या होगा? सभी जीव जंतु मर जाते हैं। ये चित्र कहानी में कौन कौन है? बंदर, बगुला, बकरी, बैल आदि है। बंदर, बगुला, बिल्ली, बकरी, बैल आदि है। वे सब मिलकर
बादल को बचाया है। बादल वहाँ फंसा है, बादल कांडों में फंसा हुआ है। वे सब मिलकर बादल को बचाते हैं। बादल कांडों में फंसा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? बादल कांडों में फंसा हुआ है अर्थात बादल के बरसने में कई बाधाएं होती है। एक और बार, बादल कांडों में फंसा हुआ है, इसका मतलब बादल के बरसने में कई बाधाएं होती है। बादल के बरसने में कई बाधाएं होती है, ठीक है। बादल कांडों में फंसा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? आजकल हमारे बादल की हालत क्या है? बादल कांडों में फंसा हुआ है अर्थात बादल के बरसने में कई बाधाएं होती है। इसका कारण यह है कि हमारा पर्यावरण कई प्रकार की प्रदूषित वायु से भरा है और मनुष्य ने पेड़ काटकर प्रकृति को बर्बाद कर डाला है। इसका असर बादल पर भी पड़ता है। और बारिश के आने पर प्रकृति में क्या क्या बदलाव आता है, विवरण तैयार करना है। बारिश के आने पर प्रकृति में क्या क्या बदलाव आता है, विवरण तैयार करना है। बारिश के आने पर आसमान काला हो जाता है, बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है। बारिश के आने पर प्रकृति के सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु खुश हो जाते हैं। पूरे तालाब, कुएं, नदियां और झरने में पानी भर जाती है। सारी खेत फसलों से भर जाती है। नदियां कलकल करती बहती हैं। मानव मन भी खुशी से नाचता है। आज की कक्षा समाप्त होती है। अगले कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।